आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि किसी स्ट्रिंग को कैसे चेक करते हैं कि वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, नितिन। तो नितिन जो है एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, यानी कि जिसको रिवर्स में भी अगर हम इसको लिख देते हैं तो रिवर्स में ही वही स्ट्रिंग रहे जो वो बिना रिवर्स के था। तो इससे हम कहते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम पैकेजेस को इम्पोर्ट कराएँगे, इम्पोर्ट जावा डॉट आयो डॉट बफर रीडर, देन इम्पोर्ट जावा डॉट आयो एक्सेप्शन, देन इम्पोर्ट जावा डॉट आयो डॉट इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग ले रखा है तीन पैकेज, लेकिन तीनों पैकेज आप देख सकते हैं सेम है आयो। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते थे आयो डॉट एस्ट्रिक, लेकिन इससे क्या होता है कि जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो पूरे फाइल्स को वो लोड करता है, तो उससे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट कंपाइल होगा। तो इसलिए इसको मैंने सेपरेट लिया है। देन हम मेन क्लास बनाएंगे, क्लास का नेम मैंने पैलिंड्रोम बना लिया, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS थ्रोस आयो एक्सेप्शन, यानी जो भी एक्सेप्शन आएगी उसको वो ये हैंडल खुद कर लेगा। देन बफर्ड रीडर, क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया BR, देन इसका मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर न्यू बफर्ड रीडर, और उसके अंदर मैं न्यू इनपुट स्ट्रीम का भी कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट इन दे दिया। तो इससे क्या करेगा कि यूज़र से जो भी इनपुट लेंगे वो हम कीबोर्ड के थ्रू लेंगे, इसलिए सिस्टम डॉट इन डाला, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, इसके लिए लेंगे स्ट्रिंग नाम का, हमने एसटी नाम का एक वेरिएबल बना रखा जो कि एसटीआर नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। देन br डॉट readline मेथड का हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए। देन स्ट्रिंग temp इक्वल टू str, मतलब हमने एक temp नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसमें str की वैल्यू को स्टोर करा दिया। देन स्ट्रिंग बफर का यूज़ करेंगे हम, स्ट्रिंग बफर का sp मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी इसका कंस्ट्रक्टर बनाया स्ट्रिंग बफर, न्यू स्ट्रिंग बफर, देन उसमें हम स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने डाल दी। अब ये स्ट्रिंग बफर हो गया। अब sb डॉट रिवर्स नाम के फंक्शन का मैंने यूज़ किया, मतलब रिवर्स नाम के फंक्शन का यूज़ किया, और sb ऑब्जेक्ट किसका था, वो स्ट्रिंग बफर का। तो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट था तो उसके थ्रू मैंने रिवर्स को यूज़ किया, तो इससे क्या हुआ, जो str की वैल्यू थी वो हो गई रिवर्स। अब हम चेक कराएंगे इसको, str इक्वल टू sb डॉट टू स्ट्रिंग, फिर से वापस हमने स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम if की कंडीशन लगाएंगे, ist temp डॉट इक्वल्स इग्नोर केस str। अब इक्वल्स इग्नोर केस क्या होता है इसको हम समझते हैं, यानी कि temp में जो भी वैल्यू है और str में जो भी वैल्यू, उसको कंपेयर कराएंगे उसका इग्नोर करके, कि या तो कैपिटल में भी हो या स्मॉल में हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको बस चेक कराना है कि दोनों में जो भी वैल्यू है वो सेम है या नहीं। तो यहाँ पे ये फंक्शन इसको चेक करेगा, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन temp प्लस इज पैलिंड्रोम, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाएगी, और एल्स पार्ट में हम दे देंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टैम प्लस, यानी टैम में जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर प्रिंट कराएगा, इज नॉट अ पैलिंड्रोम। देन करली ब्रैकेट्स को हमने क्लोज किया, क्लास को भी क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे कि स्ट्रिंग बफर यूज़ किया है, बफर रीडर यूज़ किया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज़ किया है, इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ किया है, तो इस टाइप से, और टू स्ट्रिंग मेथड का भी यूज़ किया है। तो टू स्ट्रिंग क्या करता है कि जो बफर में स्ट्रिंग रहता है उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इक्वल्स इग्नोर केस क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है बिना उसके अपर केस या लोअर केस में होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपर में हो चाहे लोअर में हो, वो उसको बस चेक करेगा कि इक्वल हैं या नहीं है। और बफर रीडर हमारा क्लास, उसका मैंने यहाँ पे br ऑब्जेक्ट भी बना रखा है। तो इस टाइप से इसमें कई चीज़ें यूज़ हुई हैं, लेकिन ये प्रोग्राम अब हमारा बन चुका है। तो अब हम इसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने सबसे पहले इसको कंपाइल हो गया, एक्सक्यूट किया, तो एंटर द स्ट्रिंग। तो जैसे स्ट्रिंग मैंने nitin नितिन लिया, ये देखिए नितिन इज पैलिंड्रोम। अब अगर कोई और स्ट्रिंग अपन ले लेते हैं, जैसे कि फिर से एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा,
जैसे ए एस डी, ये कोई भी स्ट्रिंग, कितना बड़ा भी कैसा भी स्ट्रिंग ले लीजिए, इज नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि वो है ही नहीं, पैलिंड्रोम है ही नहीं। एक बार और मैं आउटपुट लेता हूँ, जैसे कि फिर अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि हाँ ए बी ए, ए बी ए एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ये देखिए ए बी ए इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो इस टाइप से आप चेक करा सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। तो मैं इस प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जल्द ही आप मेरे चैनल से सोर्स कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे फेसबुक चैनल फेसबुक पेज से भी आप इस सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।